हेलो एवरीवन, भी सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार कमेंट में फटाफट से बता दो। हाँ, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट से एक बार क्लास में आ जाइए सो दैट कि हम आज की करंट अफेयर स्टार्ट करें। तो आज है 24 सितंबर, तो आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। नवदीप, जशन, दीपक, प्रीति, चलो बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चे आगे, सुमित, अरे सभी क्लास को शेयर भी कर दो और एक बार लाइक भी कर दो। जसविंदर, चलिए। और आज आपको पता होगा आरआरबी मेंस का एग्जाम था असिस्टेंट का, और बच्चे आपको पता है मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रही थी, तो आप भी डेली करंट अफेयर करते होंगे, तो तकरीबन क्वेश्चंस अपने करवाए हुए आए सारे। मैं ये नहीं कहती कि सारे क्वेश्चन, हाँ एक दो क्वेश्चन था बस, उसकी प्रॉब्लम अलग है। तकरीबन अपने कराए हुए आरआरबी मेंस असिस्टेंट में क्वेश्चन आए हैं, थोड़ी देर बाद उसकी वीडियो लेके आऊंगी मैं अभी, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अपने सेम टू सेम अपने पढ़े थे करंट अफेयर्स में और वो क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं पहले ही आपको कहती हूँ, अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इन करंट अफेयर की क्लास का, ठीक है? तो चलो, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और थोड़ी देर बाद एक आपके पास ना फिर से लिंक आएगा टेलीग्राम पे, सारे बच्चे उस पे आ जाना। उसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगी, वो क्वेश्चन आपने भी पढ़े हैं जो पेपर में आए हैं, ठीक है, मेंस में। तो सारे बच्चे उस क्लास में आ जाना, थोड़ी देर बाद वो वीडियो आएगी, ठीक है? तो उस पे आरआरबी लिखा होगा, बाय पुनीत मैम लिखा होगा, तो सारे उसमें आ जाना एक बार लाइव फटाफट से, ठीक है? तो चलो, थोड़ी देर में आपके पास लिंक आ जाएगा। न्यूज नंबर वन आज की देखते हैं बच्चों। चलो जी, कहते हैं गुजरात कैडर के कौन से ऑफिसर हैं बच्चों? चलो, सेवा करने वाले ऑफिसर हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी। नाम इनका भारत लाल, जिसको भरत लाल कहते हैं, ठीक है? इनकी नियुक्ति हो चुकी है, डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। किसके बच्चों? एनसीजी के। फिर से बोलू, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं बच्चों? भरत लाल। कौन बन गए हैं? भरत लाल। बस इतनी बात याद रखना, भरतलाल क्या बन गए? एनसीजी, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, यानी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के क्या बन चुके हैं बच्चों? महानिदेशक। नेक्स्ट चलते हैं, अगर बात करें एनसीजी क्या है, क्या है ये? कहते हैं इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है, यानी अगर देखा जाए कि इसका सारा काम सब कुछ कहाँ पे चलता है, तो इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, और इसका ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है बच्चों? मसूरी में। कहते इसका काम क्या है, तो ये कहाँ काम करती है? तो कहती है ये, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि ये सरकार के जो काम है, जो रिफॉर्म है, चीजों में बदलाव आते हैं, चाहे वो स्टडी के जरिए या ट्रेनिंग प्रोवाइड करके या किसी के साथ नॉलेज शेयर करके या अच्छे आइडियाज को प्रमोट करने के लिए ये काम करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और देखो न्यूज नंबर टू, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अभी अभी नियुक्ति कर दी। किसकी? इंडियन मैन क्रिकेटर टीम कैप्टन रोहित शर्मा और रोहित शर्मा की पत्नी वाइफ रितिका सजदे अपने नए ब्रांड एम्बेसडर बना लिया इनको 2 साल के लिए। तो बस रोहित शर्मा और साथ में उसकी रितिका सजदे, दोनों पति पत्नी को, हस्बैंड वाइफ को किसने? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। तो अच्छे से याद कर लेना इन दोनों के बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आज की करंट अफेयर की, अगले क्वेश्चन की। अरे अगले क्वेश्चन, इसका मकसद देख लो, मैक्स का मकसद क्या है? अरे सारे क्लास को लाइव लगाया करो। हाँ चलो आगे देखो, उद्देश्य क्या है? कि खुद को और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सही वित्तीय मूल्य निर्धारित करने के लिए, स्वयं और महत्व देने के लिए मैक्स लाइफ ब्रांड लोकाचार को बढ़ावा देना, यानी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है, मैक्स लाइफ जो है, मैक्स आपने सुना होगा भूपा भी है, मैक्स लाइफ भी है, तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए काम करता है लाइफ। न्यूज नंबर थ्री, टूरिज्म इनिशिएटिव, यानी कहते हैं पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश, आपको पता मेंस के पेपर में भी योजनाएं आई हैं इस बार, ठीक है? दीनदयाल आई थी एक, प्रधानमंत्री गारंटी वाली योजना आई थी, ठीक है? चलो आओ, तो स्वदेश एक अपने समर्थ वाला भी पढ़ा था, वो क्वेश्चन भी आया था जन समर्थ वाला। आओ आगे, कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कहते हैं कि हम 15 ऐसे टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे, यानी 15 पर्यटक सर्किटों की पहचान की है, जिनमें से रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट और डेजर्ट सर्किट शामिल किए गए हैं। तो ये नाम आपको सारे याद रखने हैं, बुद्धि सर्कल, कोस्टल, डेजर्ट, रामायण। चलिए,
तो 15 टूरिस्ट सर्कल तैयार करने हैं। आओ आगे देखो, यूनियन मिनिस्टर जो है अपने बच्चों, टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर जे किशन रेड्डी ने क्या कहा, अनाउंस किया कि हम एक खास तरीके की टूरिस्ट ट्रेन चला रहे हैं जो अंबेडकर सर्किट, यानी जो क्या करेगी पूरी अंबेडकर की जो लाइफ है ना, अभी अंबेडकर जहां पे वो रहे, जहां पे बड़े हुए, जैसे जैसे उनकी लाइफ थी वहां पे सब चीजों को जोड़ेगी। जैसे कहते हैं ट्रेन क्या करेगी, किस किस जगह पे जाएगी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जगह, जैसे कि जहां पे इनका जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर नगर बोलते हैं इंदौर के अंदर, लंदन जहां पे इन्होंने काफी समय बताया पढ़ाई की अपनी, नागपुर जहां पे इन्होंने स्टडी की, दिल्ली जहां पे ये गुजर गए आखिरी समय व्यतीत किया, और जहां पे इनकी फाइनली इनका अंतिम संस्कार हुआ तो वो कहां पे हुआ, मुंबई के अंदर। इन सारी जगह को ये जोड़ेगी टूरिस्ट ट्रेन अंबेडकर सर्किट। गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग, सरकार ने कहा सबसे पहले 2016 में अंबेडकर सर्किट, यहाँ अगर बोला जाए कि पंच तीर्थ, उसकी शुरुआत इन्होंने कब से की थी बच्चों, 2016 से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, स्वदेश दर्शन की अगर बात करें बच्चों, तो ये सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम है, योजना है, ये 14-15 में आई थी, और इसका मेन मकसद क्या है कि भारत के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उन सभी को जोड़ना। चलिए आइए आगे, देखो अपना देश भी तो इसी के तहत आया था, देखो अपना देश, तो इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू किया गया था, और ताकि नागरिक जो है देश के भीतर व्यापक रूप से क्या करें, यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और इस प्रकार घरेलू पर्यटन जो है सुविधाएं और बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम बनाता है। तो बस जी, सिटीजन्स को ट्रेवल करने के लिए इनकरेज करना, भारत में आओ, अपना भारत घूमो। 4 नंबर न्यूज, अतुल चतुर्वेदी चुने गए हैं पहले चेयरमैन, किसके, एशिया पाम ऑयल अलायंस के, एशिया पाम ऑयल अलायंस के चुने गए कौन जी बच्चों, चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। आगे देखना ध्यान से, भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश और नेपाल, और अगली मीटिंग जो है मतलब ये सारों की प्रेजेंस में हुआ, और ये सारी इसकी मेंबरशिप में है, और अगर बात की जाए अगली मीटिंग इसकी कहां पे होगी, तो ये अगली मीटिंग इनकी इंडोनेशिया में होगी, ये सारी इसकी मेंबरशिप में है। भारत एशिया में ताड़ के, यानी कहने का मतलब है भारत एशिया इंडिया का सबसे बड़ा जो तेल को मंगवाने वाला है देश है, ताड़ के ना लिखना ठीक है, सबसे ज्यादा मंगवाने वाला देश है, इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है, तो कहते हैं 15% जो है विश्व से अपना क्या करते हैं, पाम ऑयल मंगवाते हैं। उसके बाद चाइना सिर्फ 9% मंगवाता है, पाकिस्तान 4 और बांग्लादेश 2। तो भारत बहुत सारा इंपोर्ट करता है क्या बच्चों, ऑयल, पाम ऑयल। न्यूज नंबर 5 देखो, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, अरे आज के पेपर में ना एक क्वेश्चन आया था मेंस में, अरे दिल्ली का क्वेश्चन आया, दिल्ली के उपराज्यपाल के बारे में, दिल्ली के उपराज्यपाल पढ़े थे कि नहीं, अब जिसने करंट अफेयर पढ़ी है उसको बोल ही नहीं सकता दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। हाँ, आगे लिखो, इन्होंने उद्घाटन किया कश्मीर की पहली मल्टीप्लेक्स का, कहाँ पे बच्चों, सोनवार एरिया में श्रीनगर के अंदर, यानी मल्टीप्लेक्स आप सब समझ गए होंगे, सिनेमा हॉल जिसका कौन सा ब्रांड है, INOX, ठीक है। आगे देखो, कहते इसके साथ ही कश्मीर में सिनेमा हॉल के 3 दशक के अंतराल के बाद वापस आया, यानी सिनेमा हॉल यहाँ पे बंद हो गए थे, तो INOX द्वारा डिजाइन किए गए मल्टीप्लेक्स में 520 सीटों की कुल क्षमता वाले 3 मूवी थिएटर बनाए गए, यानी कितने मूवी थिएटर हैं, 3 मूवी थिएटर यहाँ पे बनाए गए हैं, और इसके अंदर कितनी क्षमता है, 520 की क्षमता है। चलिए आइए, कहते दिसंबर 1990 के अगर बात करें तो सारे सिनेमा हॉल इस समय में बंद कर दिए गए थे कश्मीर घाटी में, टेररिस्ट अटैक की वजह से होने की वजह से ये सारे यहाँ पे सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे, तो अब सोनवार एरिया में खुल रहा है सिनेमा हॉल। 6 नंबर न्यूज देखो, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस L. नागेश्वर राव को नियुक्त किया है।
तो भाई अपने को मोटा मोटा सा समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जिसको आगे हेड किसने किया, चंद्रचूड़ ने, उन्होंने नियुक्ति कर दी है जो पहले क्या रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जस्टिस नागेश्वर राव की। और किसने कहा, किसके तहत, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तहत। आगे देखो जिम्मेवारी इनकी क्या होगी बच्चों, संविधान में संशोधन और 15 दिसंबर 2022 तक चुनाव कराने का रोड मैप तैयार करना होगा। उसके बाद देखो इसके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो क्या बात है, जैसे आपको पता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इश्यू किया था, फाइनल वार्निंग दी थी किसको, अपने भारत के अंदर किसी भी प्रकार के अगर कोई खेल कूद होते हैं तो उसमें आपको देखा होगा सरकार की इंटरफेरेंस बहुत हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टी खेल कूद से दूर रहे तभी अच्छा है। तो तब इसीलिए उसने कहा था ना कि अगर कोई भी ऐसी इंटरफेरेंस पाई गई तो क्या कर देंगे, विश्व की जो स्पोर्ट्स बॉडी है यानी जो विश्व के स्तर पे खेल कूद करवाती है, वो भारत को बैन कर देगी खेलों से। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई भी खराबी नहीं करनी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये सेम लाइन वही लिखी है, आगे चलो। न्यूज नंबर 7, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एडुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने लॉन्च किया क्या बच्चों, स्केल। स्केल का मतलब है एस से स्किल, सी से सर्टिफिकेशन, ए से असेसमेंट, फॉर एल से लेदर और ई से इम्प्लॉई ऐप, यानी स्केल ऐप लॉन्च की है एजुकेशन मिनिस्टर ने। चलिए आइए है क्या ये थोड़ा सा देखें कि चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने और मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान है। यानी ये जो लोग क्या चीज सीखना चाहते हैं, लेदर इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, लेदर इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए कुछ स्किल उनको चाहिए, सीखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। चलिए आगे देखो, साथ में इन्होंने एप्लीकेशन जो लॉन्च की है, यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था कहाँ पे, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई में, जहां पे इन्होंने एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, कहते हैं इन्होंने क्या किया, डिवेल्प किया लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल। यानी कहा जाए कि ये अगर अपने पूछा जाए कि ये अगर अपने बहें कि ये अपने अभी पढ़ के आए हैं कि अपने भारत के अंदर एक स्केल नाम की जो ऐप आई है, इसको किसने बनाया, किसने लॉन्च किया, किसने डेवलप किया, तो लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल ने। अच्छा, कहते पीपल, कोई भी इंसान किसी भी एज ग्रुप उम्र का हो, अगर वो लेदर के जरिए कोई काम करना चाहता है या लेदर से कोई बनाना चाहता है, कोई क्राफ्ट करना चाहता है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पे ले सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखो, न्यूज नंबर 8, कन्वर्जेंस पोर्टल हैज बीन ज्वाइंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यानी अपने को ना यहाँ पे इतना पता चला कि कन्वर्जेंस नाम की एक पोर्टल है, कन्वर्जेंस पोर्टल, जिसको एक तो लॉन्च किया एग्रीकल्चर ने और साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने। आओ देखते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम है, जिसके तहत वही कन्वर्जेंस पोर्टल आई। कहते हैं कि इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जून 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता करने के लिए लॉन्च किया गया था। कहने का मतलब है कि अपने भारत के अंदर जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, वो अपने आप को क्या बनाए, आत्मनिर्भर बनाए और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बने। ये चीज 2020 में लॉन्च की गई थी, उसी के तहत ये पोर्टल आया। उसके बाद यहां से देखना, 2021 और 2024-25 तक का, यानी 2021 से लेके 2024-25 तक का 5 साल की अवधि में इसको लागू किया जाएगा। और ये कितने रुपए का, अगर इसके अंदर देखा जाए कि इसको सरकार ने कितने पैसे से स्कीम को स्पॉन्सर किया, कितना इसका टोटल है, 10,000 करोड़ इसके ऊपर टोटल लागत है स्कीम के जरिए। अरे सारे बच्चे क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो, और बी सीरियस व्हाइल यू आर इन द क्लास, आपस में बातचीत मत किया करो और क्लास को देखा करो अच्छे से। मैं पहले कहती हूँ पढ़े में से पेपर आ रहा है, इसका मतलब अपने पढ़ रहे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब पूरी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, इट मीन्स आपका कोई करंट का क्वेश्चन पेपर में गलत होने के चांस नहीं है। पर इफ यू आर नॉन सीरियस देन आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। आगे आइए, योजना के तहत अगर देखा जाए, इस योजना के तहत कितना खर्च कौन उठाएगा, तो भाई 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और 40 राज्य सरकार। अच्छा ये अलग अलग होगा, 90% देखो यहाँ पे 90 और 10 की रेशियो है। पहाड़ी इलाके हैं जो नॉर्थ वाले इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा वाला, वहां पे 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च उठाएगी और 10% वहां की राज्य सरकार।
और जो केंद्र शासित है वहां पे क्या होगा, 60% सेंटर करेगी और 40 वहां की सरकार, जो बाकी की कुछ रह गई है उनके अंदर 100% सेंटर करेगी। चलिए आइए 9 नंबर न्यूज देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास जो कि 25वें नंबर के हैं, इन्होंने अभी अभी लॉन्च की तीन तरीके की क्या डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022, यानी कहते हैं तीन इन्होंने डिजिटल पेमेंट के इनिशिएटिव की शुरुआत की। कहां पे की, कब की, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो 2022 का चल रहा था उसके अंदर। अच्छा, इन पहलों में यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड या यूपीआई लाइट या भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल भुगतान शामिल है इसके अंदर। चलिए ये सारे इसके इनिशिएटिव्स हैं। और भीम ऐप पर यूपीआई लाइट के माध्यम से उपभोक्ता निकट ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के लेन देन करने में संभव होगा, सक्षम होगा। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपए होगी। ये सीमा आ जाती है बैंक वालों को, बैंक वालों को सीमा पूछी जा सकती है 200। आगे देखो, कहते अगर देखा जाए को डिवाइस पर वॉलेट पर यूपीआई लाइट डिजिटल भुगतान मोड की कुल सीमा कितनी है, तो वो भी देख लो, ऑन डिवाइस वॉलेट के जरिए कितनी है, 2000 रुपए होगी। आगे चले नेक्स्ट देखो न्यूज नंबर 10, भारतीय ऑथर है और पोइट है, यानी भारतीय लेखिका और कवित्री मीना कंसामी, इनको जर्मनी का, ध्यान से देखना इस अवार्ड का नाम, इनको जर्मनी का डार्मस्टेट में पेन सेंटर द्वारा हर्मन कैस्टन पुरस्कार से प्राप्तकर्ताओं के रूप में नामित किया गया है। हर्मन कैस्टन पुरस्कार, ये पुरस्कार इनको मिला है, ऑथर और ये पोइट हैं। अगर हर्मन कैस्टन प्राइस की बात करें तो इन पर्सनैलिटीज को दिया जाता है बच्चों, जो क्या करते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो चीजें लिखते हैं जो रियलिटी होती है, चाहे वो बुक्स में लिखें, चाहे वो पॉइंट्स के पोइम के जरिए लिखें, या वो कोई ऑथर हो या जर्नलिस्ट हो, कुछ भी हो। कई बार आपने देखा ना, जो न्यूज को बड़े ही रियल तरीके से बताता है उसका विद्रोह भी बहुत होता है, तो बस वही लोग जो अच्छे से सारी बातों को शामिल करते हैं उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है। आगे चलो, इनके खास उल्लेख कौन कौन से, मतलब अच्छे अच्छे लिखती हैं इनकी कौन सी हैं, तो एक तो इनका है जिप्सी गॉडेस 2014 में आई थी, व्हेन आई हिट यू और अ पोर्ट्रेट ऑफ द राइटर एज अ यंग वाइफ, ये 2017 में इनकी लिखती किताब आई थी, और मैसेज मिलिटेंसी 2010 में आई थी। अब देखो इसको पुरस्कार मिला तो स्टैटिक में आपको इसकी कोई बुक आ सकती है पेपर में। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 11, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया जिसका नाम है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुना, तो भाई ये आ गया आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अंदर देखो, अगर आप देखोगे, एक अपना बीएससी है, एक अपना एनएससी है, और एक आ गया अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज। कहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज है, जो अपने स्टॉक एक्सचेंज अपने बोलते हैं, उसके अंदर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर करने के लिए उसके ढांचे को इसको बनाया गया। अच्छा, सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19-20 में ये बजट में इसके बारे में बातचीत पेश की थी कि अपनी एक एसएसई भी होनी चाहिए। अच्छा, कहते हैं ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक उद्यम को नियामक द्वारा सूचीबद्ध 16 व्यापक गतिविधियों में से एक सामाजिक गतिविधि में संलग्न होना होगा। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि जितने भी सोशल एंटरप्राइजेस हैं उन सभी को क्या करना पड़ेगा, एक अपनी सोशल एक्टिविटी करने के लिए टोटल 16 बड़ी बड़ी एक्टिविटीज जो इसके अंदर आएंगे उसके अंदर अपने आप को रेगुलेट करवाना होगा। जैसे कई कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, शाबाश एसएस बिंद्रा, कई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं। आगे देखो, अगर देखा जाए इसके अंदर कौन कौन से काम धंधे किस चीज के लिए होंगे, तो जो भी इसके अंदर काम होगा उसका मेन मकसद है भूख, गरीबी, कुपोषण, असमानता, इन चीजों को समाप्त करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सारी चीजें इसके मेन मोटिव हैं। न्यूज नंबर 12 की बात करें तो बुक का टाइटल है शी इज, ये बुक का नाम है शी इज, तो बुक का क्वेश्चन आ गया शी इज। कहते शी इज वुमेन इन स्टीम, ध्यान से सुनना। अब आप कहते हैं ना मैम पेपर में इतना आएगा, पेपर में इतना आएगा, पेपर में शी इज भी आएगा। अब सुनो पूरा नाम, पेपर में शी इज भी आएगा, बहुत सारी किताबें हैं जिनका नाम इतना आता है जितना मैंने लिखा इतना। अब शी इज वुमेन इन स्टीम ये पूरा नाम है, इसको रिलीज किया गया और इसके अंदर 75 वुमेन की बातचीत है जिनको यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, कहते हैं कि 75 महिलाओं को सम्मानित करने के लिए ये पुस्तक
गई। चलिए इसके अंदर देखा जाए तो इसका उद्घाटन, इसको अनवील किसने किया, अनावरण किसने किया, तो अजय सूद ने किया जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अच्छा पेपर में ना ये भी आया था, फाइनेंशियल सेक्रेटरी का क्वेश्चन था और एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, अपने पढ़े थे ना मोदी वाले सारे जब मैं पढ़ाया था आपको, तो उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए वही। और एक है एलेक्स एलिस जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है। अरे एक और क्वेश्चन याद आ गया मेरे को, WHO सुना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में क्वेश्चन आया था कि उसके नए चेयरमैन कौन है, वही है टेड्रोस जो पहले थे, उनकी फिर से नियुक्ति होगी थी। पुस्तक ने स्टीम, फिर से सुनना, इस पुस्तक के अंदर अगर देखा जाए तो 75 वुमनों को सम्मानित किया गया। इसमें स्टीम का मतलब क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स मैथमेटिक, इनके बारे में बातचीत करी गई है। और 75 की 75 महिलाओं के अंदर जो जेंडर इक्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है और सब चीजों को सस्टेनेबली हैंडल करने की बात है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। बुक के बारे में अगर देखा जाए तो इस बुक को कंपाइल किसने किया, तो वो है एल्सा मारिना डे सिल्वा, और इसको इलस्ट्रेट किसने किया, सुप्रीत के सिंह ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट, देखो न्यूज नंबर 13, इसको लिख देना वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनिंदा भाषाओं का संग्रह नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में जारी किया है। तो भाई जितनी भी स्पीच देते हैं नरेंद्र मोदी, आपको पता होगा अपने प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं ना रेडियो मन की बात ये सारी, तो भाई वो सारी स्पीच के बारे में बातचीत अब इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। इसको रिलीज किया गया न्यू दिल्ली आकाशवाणी भवन में। आगे चलो, बुक का टाइटल है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी चीजें बोलते हैं नया इंडिया बनाने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, ये सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो यहाँ पे इस बुक को अनावरण करने, उद्घाटन करने, रिलीज करने पहुंची। न्यूज नंबर 14, शाबाश अर्शप्रीत, सारी चीजें लिखते हो साथ में पूनम और जशन, वेरी गुड। आगे चलो, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया एक MOU, यानी रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए, यानी HDFC बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा किस चीज के लिए किए इन दोनों ने मिलके साइन। बच्चों डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन दोनों बैंकों के साथ मिलके स्पर्श नाम के क्या किया, एक समझौता किया, जिसका मतलब है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। आओ देखते हैं, कहते इसका मकसद है देश भर में 17 लाख रक्षा पेंशन भागियों की पेंशन को कवर करना, जितने भी लोग यहाँ पे पेंशन मिल रही है वो है 17 लाख। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने घोषणा की है कि पेंशन का निपटान जो है औसत समय काफी कम होकर लगभग 16 दिन कर दिया जाएगा, यानी पेंशन का जिसको भी भुगतान करना होगा 16 दिन के अंदर अंदर वो सारा काम कर दिया जाएगा। अब तक अगर देखा जाए स्पर्श पहल ने 1 मिलियन पेंशन भागियों को पार कर दिया, यानी पार कर लिया मतलब 1 मिलियन को पेंशन प्रोवाइड कर दिया साथ में, और 21-22 में 11,600 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। ये डाटा जो है ये बैंकिंग को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है बैंकों वालों को। आगे चलो नेक्स्ट देखो जी, 15 नंबर न्यूज, भारत की पहली जिसको हम बोल देते हैं डुगोंग। देखो आपको ना फिश जैसी लगेगी पर इसका फेस ना काफी भारी सा होता है, मोटू सा होता है। तो बच्चों ये जो है ना ये अपनी खत्म होने के तदार पे तो नहीं है, इसको अपने पता है और क्या बोल देते हैं, समुद्र में रहने वाली काओ, सी काओ, काओ होती ना गाय, सी काओ बोलते हैं इसको। चलो आओ देखते हैं, कहते भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। देखो भारत का पहला, जैसे टाइगर रिजर्व तो 53 है, नेशनल पार्क अपने बहुत सारे पढ़ते हैं, पर डुगोंग इस मछली को, इसको मछली को बचाने के लिए एक रिजर्व बनाया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के कौन सी खाड़ी में, पाक खाड़ी के अंदर इसको सूचित किया गया। और ये कौन से जिले में पड़ता है बच्चों, तंजावुर और पुडुकोटाई जिले में पड़ता है, उसके तटीय जल वाले किनारे में पड़ता है, जो 448 किलो वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा डुगोंग के लिए कौन से राज्य में रिजर्व बनाया गया, तमिलनाडु में। आगे देखो इनकी अगर आबादी देखें तो केवल 240 के बारे में ही में थी, और ऐसे डुगोंग देश में मौजूद होने का अनुमान है, अभी है ये ठीक है,
2021 में सरकार ने रिजर्व स्थापित करने के लिए अपना निर्णय या एक बात कही थी, तो इसके बारे में बात पहले हुई, अब ये बन गया है। आगे देखो 16 नंबर न्यूज, इंडियन आईटी मेजर विप्रो, इंडियन आईटी प्रमुख जो है, क्या नाम है इनका, इंडिया आईटी मेजर विप्रो हैज टर्मिनेटेड। मतलब कहने का कि जो विप्रो है वो क्या कर रही है, लोगों को अपनी अपनी जॉब से निकाल रही है। 300 एम्प्लॉय को इससे निकाल दिया, जिस पे भी इसको ये डाउट था कि भाई ये बंदा ए कंपनी में काम कर रहा है, बी ने काम कर रहा है, मतलब एक बंदा एक्स है वो इन दोनों कंपनियों में काम कर रहा है, तो भाई आपको पता ही है जब एक पर्सन दो कंपनियों में काम करेगा, इधर की बात इधर बताएगा, इधर की बात इधर बताएगा, और अगर दोनों ही सॉफ्टवेयर कंपनी हो तो वो उसको भी बताएगा कि भाई उधर तो सॉफ्टवेयर में ये काम चल रहा है, उधर तो ऐसा चल रहा है। तो इसीलिए उन्होंने इन जॉब इनको 300 एम्प्लॉय को निकाल दिया, क्योंकि उनको लगा कि हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, डाटा ब्रीच, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इनको निकाल दिया। और इसको नाम क्या दिया, इसको दिया मूनलाइटिंग, इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया, मूनलाइटिंग, जिसके तहत कंपनियों ने क्या कर दिया, 300 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। चलिए आइए आगे देखते हैं न्यूज नंबर 7, कुर्मीस। आपको कुर्मीस क्या है, कुर्मीस एक बच्चों जाति है, ट्राइब है, इन्होंने ना रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करके रखा हुआ है। अपना जो भारत है ना, अगर देखा जाए NEWS, तो जो ईस्ट वाली साइड है ना, यहाँ पे बिहार हो गया, यूपी वाला एरिया, यहाँ पे ना ये बहुत सारा ट्रैक रेलवे को रोक रहे हैं, यानी पटरी पे बैठे हुए हैं लोग। इनकी ट्राइब कौन सी है, ST, यानी ये कौन सी जाति में आते हैं, कौन सी में आते होंगे बच्चों, अनुसूचित जनजाति। तो ये क्या कहते हैं कि जो हमारी कुर्माली लैंग्वेज है उसको भी क्या करें, 8th स्केड्यूल में शामिल किया जाए, यानी जैसे अपने कहते हैं भाषा संविधान में 22 हैं, तो ये अपनी भाषा को उसमें शामिल करवाना चाहते हैं। तो आपको आपको याद रखना है कि कुर्मी से एक ट्राइब है जो कुर्माली भाषा बोलती है, तो आपको पता है 8 नंबर का स्केड्यूल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर भाषा की बात की है, अपनी 22 भाषाएं संविधान के अंदर, तो बस ये शामिल करवाना चाहती है। तो ये अपने को दक्षिण क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगी, और इसमें भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं के को सूचीबद्ध किया गया, यानी अपने को पता है 8th स्केड्यूल में भाषा की सारी बात होती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज नंबर 18 देखो, कहते डैनियल ए स्पिलमैन, इनको अभी अभी ऑनर किया गया 2023 का ब्रेक थ्रू प्राइज के साथ, किसमें, मैथमेटिक के फील्ड में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की थ्योरी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर और मैथमेटिक के अंदर, और ये क्वेश्चन जबरदस्त इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। उसके बाद कहते 2010 के अंदर सिलिकॉन वैली उद्यमियों में के एक समूह द्वारा 2010 में बनाया गया था ब्रेक थ्रू पुरस्कार, तो ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार के बारे में बात होगी, किसने बनवाया। अगर ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाए तो मतलब इसी को बोलो कि ऑस्कर ऑफ साइंस किसको मिला, तो बच्चों 3 प्राइजेस मिले हैं इसके अंदर इस साल साइंस की कैटेगरी में। तो देखो अगर देखा जाए साइंस में, लाइफ साइंस में मिले हैं, और एक मैथमेटिक्स में मिला और एक फिजिक्स में मिला, तो 3 तो हो गए अपने बच्चों किसमें, साइंस में, और एक हो गया मैथ्स में और एक हो गया फिजिक्स में। सबको कितना पैसा मिला, 3 मिलियन पैसा मिला, और 1 मिलियन तो आपको पता है नोबेल प्राइज विनर को मिलता है, तो इसको 3 मिलियन से भी ज्यादा मिला। और देख लो, देखो वो पर्सन हैं जिनको फिजिक्स में मिला, आओ फिजिक्स वाले भी देख लेते हैं। कहते फंडामेंटल फिजिक्स में अगर देखा जाए तो चार्ल्स बेनेट, गिल ग्रैसल, डेविड यट्सिट्स और पीटर सोर, कारण क्या है इनको ये मिलने का, इन्होंने फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में, कंप्यूटेशन के बारे में बात करी थी। चलिए ये है फंडामेंटल फिजिक्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा फिजिक्स, तो ध्यान से देख लेना, अच्छे से नोट कर लेना। लाइफ साइंस में देखा जाए तो मिला है बच्चों क्लिफोर्ड ब्रैंगवाने को, एंथनी हेगमैन को, ये नाम ऐसे सारे नाम याद करने पड़ेंगे, डैमिस हैसबिट को और जॉन जंपर को, इमैनुअल मिग्नोट और मसाई याना गिस्वा। अब ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे भाई, अवार्ड का क्वेश्चन आया पेपर में, तो भाई अवार्ड याद रखने ही पड़ेंगे। आगे चलते हैं DRI, कहते हैं डायरेक्टोरेट, जिसको बोलते हैं DRI, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सीज कर दिया, सीज का मतलब समझते हो ना, किसी चीज को जब्त कर देना है ना, ये चीज। फॉरन ओरिजिन गोल्ड बार्स ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू 33 करोड़
40 लाख रुपए फ्रॉम दिल्ली मुंबई पटना, यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने दिल्ली मुंबई और पटना से करीब 33 करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य के विदेशी मूल की सोने की छड़े जब्त करी। देखो आपको ईंटें दिख रही है ना सोने की, सारी प्राप्त की है, ठीक है, गोल्ड बिस्किट। चलो जी आगे आगे देखो, न्यूज नंबर 20 कहते हैं श्रीलंका के अंदर एनुअल इन्फ्लेशन जो वहां पे आ रही है, मुद्रा स्फीति एनुअल देखी जावे, मोर देन 70% अगस्त के अंदर है। कंट्री के अंदर स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका। न्यूज नंबर 21 देखो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने बच्चों अभी डिस्ट्रॉय किया 1332 हेक्टेयर इलसिट कैनबिस, गांजा, गांजा की जो कल्टीवेशन की जाती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको नष्ट किया। यहाँ से आपको दिख रहे होंगे इन्होंने ना यहाँ पे नष्ट किया था साइड पे, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, न्यूज नंबर 22 ध्यान से सुनते जाओ, अच्छे से समेटते जाओ। चलो 10वें नंबर की इंडिया और ब्राजील और साउथ अफ्रीका का एक डायलॉग हुआ, डायलॉग फोरम जिसको बोलते हैं IBSA, ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यूयॉर्क। पेपर में क्वेश्चन आएगा, 10वें नंबर का इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का डायलॉग जो हुआ, जो ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग थी, वो कहां पर हुई, बस इतना सा क्वेश्चन। आगे देखो न्यूज नंबर 23, भारत और इजिप्ट ने बच्चों एग्री कर दिया कि हम लोग नए एग्रीमेंट्स पे काम करेंगे, सहयोग करेंगे डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। ये शायद मैंने क्वेश्चन कराया था आपको पहले भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतनी सी न्यूज थी, तो अभी कुछ देर बाद ना आपके पास एक लिंक आएगा बच्चों, अभी कुछ देर बाद आपके पास एक लिंक आएगा, उस पे सारे बच्चे एक बार फटाफट आए ना टेलीग्राम देख के, सभी ने आ जाना है उस पे टेलीग्राम देख के लिंक पे, उस पे आपको मेंस के जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं बताऊंगी, ठीक है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अपनी क्लास के अंदर अपने कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो अपने ने कवर किए हुए थे, ठीक है, जो अपने ने कवर किए थे जो पेपर में आए, तो आपको अंदाजा होगा। हाँ आज क्विज नहीं थी, 2 दिन के क्विज में इकट्ठे कराऊंगी बच्चों, कल को आ जाएंगे क्विज। अभी मैं आपका मेंस का ही सारा सेट करके आई थी, PPT बनवा रही थी, सो दैट कि आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर सबको, ओके।